हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल सेट पर सेट कीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और फिर आप हमारी वीडियो को आसानी से देख पाएँ। धन्यवाद। बाहुबली द बिगनिंग। बाहुबली द बिगनिंग SS राजामौली द्वारा निर्देशित 2015 की भारतीय महाकाव्य एक्शन फिल्म है और आर्का मीडिया वर्क के तहत शोभू ग्यार लागड्डिया और प्रसाद देवी नेनी द्वारा निर्मित है। तेलुगु और बाद में तमिल भाषाओं में एक साथ शूट की गई फिल्म में प्रभास राणा, दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना, राम्या कृष्णा, सत्यराज और नासर सहित कलाकारों की टुकड़ी है। दो सिनेमाई भागों में से पहला फिल्म शिवडू शिव का अनुसरण करती है, जो एक साहसी युवक है जो अपने प्यार अवंतिका को माहिष्मती की पूर्व रानी देवसेना को बचाने में मदद करता है, जो अब राजा भल्लाल देव के अत्याचारी शासन के तहत एक कैदी है। कहानी का समापन बाहुबली 2 द कंक्लूजन में होता है। निर्देशक SS राजामौली। पटकथा की है SS राजामौली। कहानी द्वारा KV विजेंद्र प्रसाद द्वारा उत्पादित शोभू यार लागड्डिया, प्रसाद देवनेनी, अभिनीत प्रभासी, राणा दग्गुबाती, तमन्ना भाटिया, अनुष्का शेट्टी, राम्या कृष्ण, सत्यराजी, नासिर, छायांकन KK सेंथिल कुमार द्वारा संपादित कोटागिरी वेंकटेश्वर राय, संगीत दिया है MM कीरावड़ी, प्रोडक्शन कंपनी आर्का मीडिया वर्क्स द्वारा वितरित तेलुगु आर्का मीडिया वर्क्स, मलयालम ग्लोबल यूनाइटेड मीडिया, तमिल स्टूडियो ग्रीन 3 थेलुगल फिल्म्स, यूवी क्रिएशंस हिंदी, धर्मा प्रोडक्शंस AA फिल्म्स। रिलीज की तारीख 10 जुलाई 2015। कार्यकारी समय 158 मिनट तेलुगु, 159 मिनट तमिल। देश इंडिया। बोली तेलुगु तमिल। बजट 180 करोड़। बॉक्स ऑफिस अनुमानित रुपये 650 करोड़। फिल्म राजामौली के पिता KV विजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी, जिन्होंने बेहतरीन ढंग से उन्हें शिवगामी के बारे में एक कहानी सुनाई। एक महिला जो नदी पार करते समय अपने हाथ में एक बच्चे को ले जाती है और कुछ साल बाद कटप्पा के बारे में, जिसने राजामौली को चकित कर दिया। पौराणिक कथाओं के प्रति उनके आकर्षण और अमर चित्रकथा कॉमिक्स की कहानियों ने कहानी में उनकी रुचि को और बढ़ा दिया। हालांकि अंतिम मसौदे को पूरा करने में लेखकों को 3 महीने लग गए। साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर MM केरावनी द्वारा तैयार किया गया था, जबकि सिनेमेटोग्राफी, प्रोडक्शन डिज़ाइन और VFX को क्रमशः KK सेंथिल कुमार, साहू सीरिल और वी श्रीनिवास मोहन ने संभाला था।
यह फिल्म रुपये 180 करोड़ US डॉलर 24 मिलियन के बजट पर बनी थी, जिससे यह रिलीज के समय सबसे महंगी भारतीय फिल्म बन गई। फिल्म 10 जुलाई 2015 को हिंदी और मलयालम में डब किए गए संस्करण के साथ दुनिया भर में खुली। आलोचकों की प्रशंसा और रिकॉर्ड ब्रेकिंग बॉक्स ऑफिस पर सफलता प्राप्त की। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर अपनी शुरुआती नाटकीय दौड़ में ₹586.45 करोड़ US डॉलर 78 मिलियन की कमाई के साथ यह भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। दुनिया भर में तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दक्षिण भारतीय फिल्म बन गई। इसके जरिए होने के समय इसकी हिंदी डब वर्जन ने भी भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली डब फिल्म बनकर कई रिकॉर्ड तोड़े। तब से बजट और बॉक्स ऑफिस दोनों रिकॉर्ड बाहुबली 2 द कंक्लूजन से आगे निकल गए, जो अब तक की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। इसे कई सम्मान मिले। इसने सर्वश्रेष्ठ विशेष प्रभावों और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार जीतने वाली पहली तेलुगु फिल्म बन गई। 63वें फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ में तेलुगु संस्करण ने 10 नामांकन से 5 पुरस्कार जीते, जिसमें प्रकाशा सर्वश्रेष्ठ फिल्म, राजामौली के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और राम्या कृष्णा के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल हैं। बाहुबली द बिगिनिंग सैटर्न अवार्ड्स के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई, जिसे 42वें समारोह में 5 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फंतासी फिल्म और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री। भूखंड। प्राचीन भारतीय राज्य महिष्मति के पास शिवगामी नाम की एक घायल महिला को एक शिशु को लेकर एक पहाड़ी झरने से नीचे एक गुफा से बाहर निकलते हुए देखा जाता है। वह पीछा कर रहे 2 सैनिकों को मार देती है और एक उग्र नदी को पार करने का प्रयास करती है, लेकिन फिसल जाती है और धारा में बह जाती है। डूबने से पहले वह अपने हाथ से बच्चे को ऊपर रखती है और भगवान शिव से प्रार्थना करती है कि वह बच्चा जो महेंद्र बाहुबली है उसे जीवित रहना चाहिए। बच्चे को स्थानीय अंबुरी जनजाति के लोग बचाते हैं जो नदी के पास रहते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। बच्चों को पहाड़ पर वापस ले जाने की ग्रामीणों की दलीलों के बावजूद, जहां से वह आया था, जनजाति के सरदार सांगा की पत्नी ने उसे गोद लेने और उसे नुकसान से बचाने का फैसला किया। उसने बच्चे का नाम शिवड़ू शिव रखा है। शिव एक महत्वाकांक्षी और शरारती बच्चे के रूप में बड़ा होता है, जो पहाड़ पर चढ़ने के लक्ष्य से ग्रस्त है, जो यह जानने के लिए उत्सुक है कि शिव क्या है। सांगा की लगातार मिन्नतों के बावजूद वह लगातार कोशिश करता है और बार बार असफल होता है, हालांकि हर प्रयास में सुधार होता है। 25 साल की छोटी उम्र में जब वह एक लिंगम को उठाता है तो उसके पास अलौकिक शक्ति होती है शिव का, और इसे पर्वत के तल पर रखता है। बाद में उसे एक मुखौटा मिलता है जो स्पष्ट रूप से
पहाड़ की चोटी से गिर गया है। यह महसूस करते हुए कि इसमें स्त्रैण विशेषताएं हो सकती हैं, वह पहाड़ पर चलने के लिए प्रेरित होता है और कठिनाई के बावजूद सफल होता है। शीर्ष पर वह अवंतिका नाम की एक महिला को बहिष्मती सैनिकों को मारते हुए देखता है। उसे पता चलता है कि वह एक स्थानीय प्रतिरोध जनजाति से एक योद्धा है जो महिष्मती के अत्याचारी राजा भगवान भल्लाल देव भालवाल थेवन को उखाड़ फेंकने और एक महत्वपूर्ण बंदी राजकुमारी देवसेना को बचाने के उद्देश्य से समर्पित है, जो प्रतिरोध के प्रमुख की बहन होती है। जयवर्मा शिव तुरंत अवंतिका के साथ प्यार में पड़ जाता है और चुपके से उसका पीछा करता है, यहाँ तक कि उसके हाथ पैर पर एक टैटू बनाने का प्रबंधन भी करता है। जब वह सो रही होती है, आखिरकार वह शिव को खोज लेती है और उस पर हमला करती है, लेकिन शिव उस पर हावी हो जाते हैं, फिर उसे अपना मुखौटा लौटा देता है। यह महसूस करते हुए कि उसने सिर्फ उसके लिए पहाड़ पर चढ़ाई की थी, वह उसकी भावनाओं का प्रतिहार करती है। बाद में इस जोड़ी पर महिष्मती के और सैनिकों द्वारा हमला किया जाता है। उन्हें प्रबल करते हुए शिव ने देवसेना को बचाने का संकल्प लिया और चले गए। जब भल्लाल देव के जन्मदिन पर गुप्त रूप से महिष्मती में प्रवेश करता है और भल्ला की एक विशाल प्रतिमा को खड़ा करने में सावधानी से सहायता करता है, इस प्रक्रिया में वह स्पष्ट रूप से एक कार्यकर्ता द्वारा पहचाना जाता है जो अन्य कार्यकर्ताओं के साथ बाहुबली नाम का जाप करता है। शिव के भ्रम और भल्ला की शर्मिंदगी के लिए बहुत कुछ शिव बाद में एक सैनिक के वेश में शाही महल में घुसपैठ करता है और हंगामा करता है, जिससे भल्ला और उसके रक्षक देवसेना को बचाने के लिए काफ़ी देर तक विचलित हो जाते हैं। भल्ला ने अपने दत्तक पुत्र भद्रा और देवसेना को पुनः प्राप्त करने के लिए अपने वफादार दास कटप्पा को भेजा। वे ऐसा करने का प्रबंधन करते हैं, लेकिन शिव उन पर हावी हो जाता है और भद्रा का सिर काट देता है। ठीक उसी समय जब संगा अमूरी अवंतिका और उसके हमवतन आते हैं, क्रोध होकर कटप्पा शिव पर झपट पड़ते हैं, लेकिन उनके चेहरे की एक झलक पाकर उस पर हमला करना बंद कर देते हैं। वह शिव के चरणों में गिर जाता है, उसे बाहुबली घोषित करता है। अगली सुबह एक मित्रवत कटप्पा शिव को उसकी असली उत्पत्ति के बारे में समझाता है। शिव वास्तव में महेंद्र बाहुबली है, जो बहिष्मती के एक प्रसिद्ध योद्धा राजकुमार अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र हैं। कटप्पा फिर बताते हैं बीती बातें। अमरेंद्र का जन्म अनाथ के रूप में हुआ था। उनके पिता राजा विक्रमदेव की मृत्यु उनके जन्म से पहले ही हो गई थी और उनकी माता की मृत्यु उन्हें जन्म देते हुए हुई थी। विक्रमदेव के भाई और महिष्मती शाही परिवार में अगली पंक्ति के भगवान विज्जल देव को उनके चालाक और विक्षिप्त स्वभाव के कारण सिंहासन से वंचित कर दिया गया था। विज्जल देव की पत्नी लेडी शिवगामी ने एक अभिनय सम्राट के रूप में सत्ता संभाली। दोनों भल्ला जो उनके बेटे हुए और अमरेंद्र को समान रूप से पालने के इरादे से महिष्मती के सिंहासन के लिए अगले उत्तराधिकारी का उचित रूप से चयन करने के लिए भल्ला और अमरेंद्र दोनों को
समान रूप से उठाया गया है और युद्ध, गणित, प्रशासन, तर्क और कई अन्य विषयों की कलाओं में कठोरता से प्रशिक्षित किया गया है। बिजलदेव अपने बेटे को अगला राजा बनाने के लिए उत्सुक भल्ला को प्रोत्साहित करता है। वह सिंहासन पर चढ़ने के लिए हर संभव प्रयास करे। नतीजतन भल्ला अपनी प्रजा के साथ क्रूरता और बेफिक्री से पेश आता है। दूसरी ओर अमरेंद्र अधिक परिपक्व होता है और राज्य में लोकप्रियता हासिल करता है। साकीथन नाम के राज्य में एक गद्दार दुर्भावनापूर्ण काल के जनजाति के लिए एक जासूस बन जाता है, जो राज्य के क्रूर और विध्वंसक होने के लिए जाने जाते हैं। उनके प्रमुख पिंकोशी ने माहिष्मती के साथ पिछले संघर्ष के कारण युद्ध की घोषणा की और राजघरानों ने राजनीतिक प्रतिक्रिया दी। शिवनामी ने फैसला किया कि जो कोई इंकोशी को मारता है वह नया योग्य राजा होगा, इसलिए वे राजकुमारों को सेना सौंपते हैं। बिजलदेव गुप्त रूप से सुनिश्चित करता है कि भल्ला के पास अधिक हथियार और पुरुष हों। बाहुबली आने वाली लड़ाई में नवीन रणनीति का उपयोग करके और साथ ही अपने सैनिकों को प्रेरित करने और बंधक विषयों को बचाने के लिए और अधिक काल के सैनिकों को नष्ट करने का प्रबंधन करता है। उसने इंकोशी को बस में कर लिया और भल्ला ने उसे मार डाला, लेकिन उसकी वीरता और अपने राज्य के लोगों के लिए चिंता के कारण शिवगामी ने उसे राजा बनाने का फैसला किया। वर्तमान समय में शिवु के माता पिता अमरेंद्र से मिलने की इच्छा रखते हैं। उनकी कहानी सुनकर प्रभावित हुए राज कटप्पा ने खुलासा किया कि अमरेंद्र मर चुका है। शिवु द्वारा अपने पिता की मृत्यु के बारे में पूछे जाने पर कटप्पा ने आगे खुलासा किया कि अमरेंद्र की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद की थी और इसकी काली हो गई थी। ढालना आकलित क्रेडिट कास्ट निम्नलिखित है। अमरेंद्र बाहुबली के रूप में माहिष्मती के राजकुमार शिवगामी और के भतीजे और राज्य के प्रिय सदस्य और महेंद्र बाहुबली शिव तेलुगु शिवु तमिल दोहरी भूमिका। राणा दग्गुबाती बल्लाल देव तेलुगु पल बालथेवन तमिल के रूप में बाहुबली के बड़े चचेरे भाई और सिंहासन लेने के लिए अत्याचारी आकांक्षाओं के साथ एक बिगड़ैल अभिमानी राजकुमार। तमन्ना अवंतिका के रूप में कुंतला के एक पूर्व निवासी कुशल लड़ाके और प्रतिरोध के शक्तिशाली सदस्य। देवसेना तेलुगु देवसेनाई तमिल के रूप में अनुष्का शेट्टी महेंद्र बाहुबली की जैविक माँ, जिसे महिष्मती में भल्ला के मनोरंजन के लिए प्रताड़ित और कैद किया गया है। शिवगामी के रूप में राम्या कृष्णन बिजलदेव की पत्नी, भल्ला की माँ और शाही परिवार की एक स्थापित उच्च रैंकिंग सदस्य, जो राजकुमारों के बड़े होने पर राज्य की देखरेख करती है। करिकाल कटप्पा के रूप में सत्यराज माहिष्मती के सशस्त्र बलों के सेनापति, माहिष्मती के राजघरानों के लिए एक संरक्षक और लड़ाकू शिक्षक, इसके बावजूद उसकी हैसियत एक नौकर के बराबर है और राज्य के सम्राट से बंधे हुए दास योद्धाओं की एक लंबी कतार से आती है। बिजलदेव तेलुगु पिंगलाथेवन तमिल के रूप में नासर विक्रमदेव के विचित्र बड़े भाई और एक विकृत बाएं हाथ वाले राजकुमार को खारिज कर दिया। अन्य सांगा के रूप में रोहिणी अंगुरी जनजाति की नेता और महेंद्र की दत्तक माता जयवर्मा के रूप में
मीका रामकृष्ण कुंतला विद्रोहियों के नेता और देवसेना के भाई स्वामी जी के रूप में तनिकेला वरुणी एक अमूरी ऋषि जिन्होंने खुद को शिव की प्रार्थना के लिए समर्पित कर दिया है। विदुर तेलुगु भद्रा तमिल के रूप में आदिवासी शेष भल्लाल देव का दत्तक पुत्र जिसने अपने पिता के समान एक अभिमानी और नियंत्रित व्यक्तित्व लिया है। इंकोशी के रूप में प्रभाकर कालके के राजा जिन्होंने एक युवा लड़के के रूप में नेतृत्व किया और उनके असफल संघर्ष के बाद महिष्मति पर युद्ध की घोषणा की। असलम खान के रूप में सुदीप एक अरब हथियार का सौदागर जो कटप्पा से दोस्ती करता है। इंकोशी के भाई के रूप में चरणदीप मधु स्नेहा उपाध्याय मनोहारी गीत में नीले ब्लाउज में नर्तकी के रूप में नोरा फतेही हरे रंग के ब्लाउज में मनोहारी गाने में नर्तकी के रूप में मनोहारी गाने में नारंगी ब्लाउज में नर्तकी के रूप में स्कारलेट मेलिस विल्सन मनोहारी गीत से पहले स्पिरिट सेलर के रूप में एस.एस. राजा मौली हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल सेट पर सेट कीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और फिर आप हमारी वीडियो को आसानी से देख पाएँ। धन्यवाद। बाहुबली द बिगनिंग। बाहुबली द बिगनिंग SS राजामौली द्वारा निर्देशित 2015 की भारतीय महाकाव्य एक्शन फिल्म है और अर्का मीडिया वर्क के तहत शोभू ग्यार लागड्डिया और प्रसाद देवी नेनी द्वारा निर्मित है। तेलुगु और बाद में तमिल भाषाओं में एक साथ शूट की गई फिल्म में प्रभास राणा दग्गुबाती अनुष्का शेट्टी तमन्ना राम्या कृष्णा सत्यराज और नासर सहित कलाकारों की टुकड़ी है। दो सिनेमाई भागों में से पहला फिल्म सिवुडू शिव का अनुसरण करती है जो एक साहसी युवक है जो अपने प्यार अवंतिका को माहिष्मति की पूर्व रानी देवसेना को बचाने में मदद करता है जो अब राजा भल्लाल देव के अत्याचारी शासन के तहत एक कैदी है। कहानी का समापन बाहुबली 2 द कंक्लूजन में होता है। निर्देशक SS राजामौली। पटकथा की है SS राजामौली। कहानी द्वारा KV विजेंद्र प्रसाद द्वारा उत्पादित शोभू यार लागड्डिया प्रसाद देवीनेनी अभिनीत प्रभासी राणा दग्गुबाती तमन्ना भाटिया अनुष्का शेट्टी राम्या कृष्ण सत्यराजी नासिर छायांकन KK सेंथिल कुमार द्वारा संपादित कोटागिरी वेंकटेश्वर राय संगीत दिया है MM कीरावड़ी प्रोडक्शन कंपनी अर्का मीडिया वर्क्स द्वारा वितरित तेलुगु अर्का मीडिया वर्क्स मलयालम ग्लोबल यूनाइटेड मीडिया तमिल स्टूडियो ग्रीन 3
थेल फिल्म्स, यूवी क्रिएशंस हिंदी, धर्मा प्रोडक्शंस ए फिल्म्स। रिलीज की तारीख 10 जुलाई 2015। कार्यकारी समय 158 मिनट तेलुगु, 159 मिनट तमिल। देश इंडिया। बोली तेलुगु तमिल। बजट 180 करोड़। बॉक्स ऑफिस अनुमानित रुपये 650 करोड़। फिल्म राजामौली के पिता के वी विजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी, जिन्होंने बेहतरीन ढंग से उन्हें शिवगामी के बारे में एक कहानी सुनाई। एक महिला जो नदी पार करते समय अपने हाथ में एक बच्चे को ले जाती है, और कुछ साल बाद कटप्पा के बारे में, जिसने राजामौली को चकित कर दिया। पौराणिक कथाओं के प्रति उनके आकर्षण और अमर चित्रकथा कॉमिक्स की कहानियों ने कहानी में उनकी रुचि को और बढ़ा दिया। हालांकि अंतिम मसौदे को पूरा करने में लेखकों को 3 महीने लग गए। साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर M.M. केरावनी द्वारा तैयार किया गया था, जबकि सिनेमेटोग्राफी, प्रोडक्शन डिज़ाइन और VFX को क्रमशः के सेंथिल कुमार, साहू सीरिल और वी श्रीनिवास मोहन ने संभाला था। यह फिल्म रुपये 180 करोड़ US डॉलर 24 मिलियन के बजट पर बनी थी, जिससे यह रिलीज के समय सबसे महंगी भारतीय फिल्म बन गई। फिल्म 10 जुलाई 2015 को हिंदी और मलयालम में डब किए गए संस्करण के साथ दुनिया भर में खुली। आलोचकों की प्रशंसा और रिकॉर्ड ब्रेकिंग बॉक्स ऑफिस पर सफलता प्राप्त की। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर अपनी शुरुआती नाटकीय दौड़ में रुपये 586.45 करोड़ US डॉलर 78 मिलियन की कमाई के साथ यह भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। दुनिया भर में तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दक्षिण भारतीय फिल्म बन गई। इसके जरिए होने के समय इसके हिंदी डब वर्जन ने भी भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली डब फिल्म बनकर कई रिकॉर्ड तोड़े। तब से बजट और बॉक्स ऑफिस दोनों रिकॉर्ड बाहुबली 2 द कंक्लूजन से आगे निकल गए, जो अब तक की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। इसे कई सम्मान मिले। इसने सर्वश्रेष्ठ विशेष प्रभावों और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार जीतने वाली पहली तेलुगु फिल्म बन गई। 63वें फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ में तेलुगु संस्करण ने 10 नामांकन से 5 पुरस्कार जीते, जिसमें प्रकाशा सर्वश्रेष्ठ फिल्म, राजामौली के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और राम्या कृष्णा के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल हैं। बाहुबली द बिगिनिंग सैटर्न अवार्ड्स के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई, जिसे 42वें समारोह में 5 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फंतासी फिल्म और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री। भूखंड। प्राचीन भारतीय राज्य महिष्मति के पास शिवगामी नाम की एक घायल महिला को एक शिशु को लेकर एक पहाड़ी झरने से नीचे एक गुफा से बाहर निकलते हुए देखा जाता है। वह
पीछा कर रहे दो सैनिकों को मार देती है और एक उग्र नदी को पार करने का प्रयास करती है, लेकिन फिसल जाती है और धारा में बह जाती है। डूबने से पहले वह अपने हाथ से बच्चे को ऊपर रखती है और भगवान शिव से प्रार्थना करती है कि वह बच्चा जो महेंद्र बाहुबली है उसे जीवित रहना चाहिए। बच्चे को स्थानीय अंबुरी जनजाति के लोग बचाते हैं जो नदी के पास रहते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। बच्चों को पहाड़ पर वापस ले जाने की ग्रामीणों की दलीलों के बावजूद, जहाँ से वह आया था, जनजाति के सरदार सांगा की पत्नी ने उसे गोद लेने और उसे नुकसान से बचाने का फैसला किया। उसने बच्चे का नाम शिवड़ू शिव रखा है। शिव एक महत्वाकांक्षी और शरारती बच्चे के रूप में बड़ा होता है, जो पहाड़ पर चढ़ने के लक्ष्य से ग्रस्त है, जो यह जानने के लिए उत्सुक है कि शिव क्या है। सांगा की लगातार मिन्नतों के बावजूद वह लगातार कोशिश करता है और बार बार असफल होता है, हालांकि हर प्रयास में सुधार होता है। 25 साल की छोटी उम्र में जब वह एक लिंगम को उठाता है तो उसके पास अलौकिक शक्ति होती है शिव का और इसे पर्वत के तल पर रखता है। बाद में उसे एक मुखौटा मिलता है जो स्पष्ट रूप से पहाड़ की चोटी से गिर गया है। यह महसूस करते हुए कि इसमें स्त्रैण विशेषताएं हो सकती हैं, वह पहाड़ पर चलने के लिए प्रेरित होता है और कठिनाई के बावजूद सफल होता है। शीर्ष पर वह अवंतिका नाम की एक महिला को बहिष्मति सैनिकों को मारते हुए देखता है। उसे पता चलता है कि वह एक स्थानीय प्रतिरोध जनजाति से एक योद्धा है जो महिष्मति के अत्याचारी राजा भगवान भल्लाल देव भालवाल थेवन को उखाड़ फेंकने और एक महत्वपूर्ण बंदी राजकुमारी देवसेना को बचाने के उद्देश्य से समर्पित है, जो प्रतिरोध के प्रमुख की बहन होती है। जयवर्मा शिव तुरंत अवंतिका के साथ प्यार में पड़ जाता है और चुपके से उसका पीछा करता है, यहाँ तक कि उसके हाथ पैर पर एक टैटू बनाने का प्रबंधन भी करता है। जब वह सो रही होती है, आखिरकार वह शिव को खोज लेती है और उस पर हमला करती है, लेकिन शिव उस पर हावी हो जाते हैं, फिर उसे अपना मुखौटा लौटा देता है। यह महसूस करते हुए कि उसने सिर्फ उसके लिए पहाड़ पर चढ़ाई की थी, वह उसकी भावनाओं का प्रतिहार करती है। बाद में इस जोड़ी पर महिष्मति के और सैनिकों द्वारा हमला किया जाता है। उन्हें प्रबल करते हुए शिव ने देवसेना को बचाने का संकल्प लिया और चले गए। जब भल्लाल देव के जन्मदिन पर गुप्त रूप से महिष्मति में प्रवेश करता है और भल्ला की एक विशाल प्रतिमा को खड़ा करने में सावधानी से सहायता करता है, इस प्रक्रिया में वह स्पष्ट रूप से एक कार्यकर्ता द्वारा पहचाना जाता है जो अन्य कार्यकर्ताओं के साथ बाहुबली नाम का जाप करता है। शिव के भ्रम और भल्ला की शर्मिंदगी के लिए बहुत कुछ शिव बाद में एक सैनिक के वेश में शाही महल में घुसपैठ करता है और हंगामा करता है, जिससे भल्ला और उसके रक्षक देवसेना को बचाने के लिए काफ़ी देर तक विचलित हो जाते हैं। भल्ला ने अपने दत्तक पुत्र भद्रा और देवसेना को पुनः प्राप्त करने के लिए अपने वफादार दास कटप्पा को भेजा। वे ऐसा करने का प्रबंधन करते हैं।
लेकिन शिव उन पर हावी हो जाता है और भद्रा का सिर काट देता है। ठीक उसी समय जब संगा, अमूरी, अवंतिका और उसके हमवतन आते हैं, क्रोध होकर कटप्पा शिव पर झपट पड़ते हैं, लेकिन उनके चेहरे की एक झलक पाकर उस पर हमला करना बंद कर देते हैं। वह शिव के चरणों में गिर जाता है, उसे बाहुबली घोषित करता है। अगली सुबह एक मित्रवत कटप्पा शिव को उसकी असली उत्पत्ति के बारे में समझाता है। शिव वास्तव में महेंद्र बाहुबली है, जो बहिष्मती के एक प्रसिद्ध योद्धा राजकुमार अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र हैं। कटप्पा फिर बताते हैं बीती बातें। अमरेंद्र का जन्म अनाथ के रूप में हुआ था। उनके पिता राजा विक्रमदेव की मृत्यु उनके जन्म से पहले ही हो गई थी और उनकी माता की मृत्यु उन्हें जन्म देते हुए हुई थी। विक्रमदेव के भाई और महिष्मती शाही परिवार में अगली पंक्ति के भगवान विज्जल देव को उनके चालाक और विक्षिप्त स्वभाव के कारण सिंहासन से वंचित कर दिया गया था। विज्जल देव की पत्नी लेडी शिवगामी ने एक अभिनय सम्राट के रूप में सत्ता संभाली। दोनों भल्ला जो उनके बेटे हुए और अमरेंद्र को समान रूप से पालने के इरादे से महिष्मती के सिंहासन के लिए अगले उत्तराधिकारी का उचित रूप से चयन करने के लिए भल्ला और अमरेंद्र दोनों को समान रूप से उठाया गया है और युद्ध, गणित, प्रशासन, तर्क और कई अन्य विषयों की कलाओं में कठोरता से प्रशिक्षित किया गया है। विज्जलदेव अपने बेटे को अगला राजा बनाने के लिए उत्सुक भल्ला को प्रोत्साहित करता है। वह सिंहासन पर चढ़ने के लिए हर संभव प्रयास करे। नतीजतन भल्ला अपनी प्रजा के साथ क्रूरता और बेफिक्री से पेश आता है। दूसरी ओर अमरेंद्र अधिक परिपक्व होता है और राज्य में लोकप्रियता हासिल करता है। साकीथन नाम के राज्य में एक गद्दार दुर्भावनापूर्ण काल के जनजाति के लिए एक जासूस बन जाता है, जो राज्य के क्रूर और विध्वंसक होने के लिए जाने जाते हैं। उनके प्रमुख इंकोशी ने महिष्मती के साथ पिछले संघर्ष के कारण युद्ध की घोषणा की और राजघरानों ने राजनीतिक प्रतिक्रिया दी। शिवगामी ने फैसला किया कि जो कोई इंकोशी को मारता है वह नया योग्य राजा होगा, इसलिए वे राजकुमारों को सेना सौंपते हैं। विजयदेव गुप्त रूप से सुनिश्चित करता है कि भल्ला के पास अधिक हथियार और पुरुष हों। बाहुबली आने वाली लड़ाई में नवीन रणनीति का उपयोग करके और साथ ही अपने सैनिकों को प्रेरित करने और बंधक विषयों को बचाने के लिए और अधिक काल के सैनिकों को नष्ट करने का प्रबंधन करता है। उसने इंकोशी को बस में कर लिया और भल्ला ने उसे मार डाला, लेकिन उसकी वीरता और अपने राज्य के लोगों के लिए चिंता के कारण शिवगामी ने उसे राजा बनाने का फैसला किया। वर्तमान समय में शिवु के माता पिता अमरेंद्र से मिलने की इच्छा रखते हैं। उनकी कहानी सुनकर प्रभावित हुए राज कटप्पा ने खुलासा किया कि अमरेंद्र मर चुका है। शिवु द्वारा अपने पिता की मृत्यु के बारे में पूछे जाने पर कटप्पा ने आगे खुलासा किया कि अमरेंद्र की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद की थी और इसकी काली हो गई थी। ढालना आकलित क्रेडिट कास्ट निम्नलिखित है। अमरेंद्र बाहुबली के रूप में महिष्मती के राजकुमार शिवगामी और
के भतीजे और राज्य के प्रिय सदस्य और महेंद्र बाहुबली शिवम तेलुगु शिवम तमिल दोहरी भूमिका राणा दग्गुबाती बल्लाल देव तेलुगु पल बालथेवन तमिल के रूप में बाहुबली के बड़े चचेरे भाई और सिंहासन लेने के लिए अत्याचारी आकांक्षाओं के साथ एक बिगड़ैल अभिमानी राजकुमार तमन्ना अवंतिका के रूप में कुंतला के एक पूर्व निवासी कुशल लड़ाके और प्रतिरोध के शक्तिशाली सदस्य देवसेना तेलुगु देवसेनाई तमिल के रूप में अनुष्का शेट्टी महेंद्र बाहुबली की जैविक माँ जिसे महिष्मती में भल्ला के मनोरंजन के लिए प्रताड़ित और कैद किया गया है शिवगामी के रूप में राम्या कृष्णन बिज्जलदेव की पत्नी भल्ला की माँ और शाही परिवार की एक स्थापित उच्च रैंकिंग सदस्य जो राजकुमारों के बड़े होने पर राज्य की देखरेख करती है करिकाल कटप्पा के रूप में सत्यराज महिष्मती के सशस्त्र बलों के सेनापति महिष्मती के राजघरानों के लिए एक संरक्षक और लड़ाकू शिक्षक इसके बावजूद उसकी हैसियत एक नौकर के बराबर है और राज्य के सम्राट से बंधे हुए दास योद्धाओं की एक लंबी कतार से आती है बिज्जलदेव तेलुगु पिंगलाथेवन तमिल के रूप में नासर विक्रमदेव के विचित्र बड़े भाई और एक विकृत बाएं हाथ वाले राजकुमार को खारिज कर दिया अन्य सांगा के रूप में रोहिणी अंगुरी जनजाति की नेता और महेंद्र की दत्तक माता जयवर्मा के रूप में मीका रामकृष्ण कुंतला विद्रोहियों के नेता और देवसेना के भाई स्वामी जी के रूप में तनिकेला वरुणी एक अमूरी ऋषि जिन्होंने खुद को शिव की प्रार्थना के लिए समर्पित कर दिया है विदुर तेलुगु भद्रा तमिल के रूप में आदिवासी शेष भल्लाल देव का दत्तक पुत्र जिसने अपने पिता के समान एक अभिमानी और नियंत्रित व्यक्तित्व लिया है इंकोशी के रूप में प्रभाकर कालके के राजा जिन्होंने एक युवा लड़के के रूप में नेतृत्व किया और उनके असफल संघर्ष के बाद महिष्मती पर युद्ध की घोषणा की असलम खान के रूप में सुदीप एक अरब हथियार का सौदागर जो कटप्पा से दोस्ती करता है इंकोशी के भाई के रूप में चरणदीप मधु स्नेहा उपाध्याय मनोहारी गीत में नीले ब्लाउज में नर्तकी के रूप में नोरा फतेही हरे रंग के ब्लाउज में मनोहारी गाने में नर्तकी के रूप में मनोहारी गाने में नारंगी ब्लाउज में नर्तकी के रूप में स्कारलेट मेलिस विल्सन मनोहारी गीत से पहले स्पिरिट सेलर के रूप में एसएस राजा मौली हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग मैं आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल सेट पर सेट कीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और फिर आप हमारी वीडियो को आसानी से देख पाएं। धन्यवाद। बाहुबली द बिगनिंग बाहुबली द बिगनिंग एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित 2015 की भारतीय महाकाव्य एक्शन फिल्म है और अर्का मीडिया वर्क के तहत शोभू ग्यारह लागड्या और प्रसाद देवी नैनी द्वारा निर्मित
है। तेलुगु और बाद में तमिल भाषाओं में एक साथ शूट की गई फिल्म में प्रभास राणा, दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना, राम्या कृष्णा, सत्यराज और नासर सहित कलाकारों की टुकड़ी है। दो सिनेमाई भागों में से पहला फिल्म शिवडू शिव का अनुसरण करती है, जो एक साहसी युवक है जो अपने प्यार अवंतिका को माहिष्मती की पूर्व रानी देवसेना को बचाने में मदद करता है, जो अब राजा भल्लाल देव के अत्याचारी शासन के तहत एक कैदी है। कहानी का समापन बाहुबली 2 द कंक्लूजन में होता है। निर्देशक SS राजामौली, पटकथा की है SS राजामौली। कहानी द्वारा KV विजेंद्र प्रसाद द्वारा उत्पादित शोभू यार लागड्या, प्रसाद देवनेनी, अभिनीत प्रभासी, राणा दग्गुबाती, तमन्ना भाटिया, अनुष्का शेट्टी, राम्या कृष्ण, सत्यराजी, नासिर, छायांकन KK सेंथिल कुमार द्वारा संपादित कोटागिरी वेंकटेश्वर राय, संगीत दिया है MM कीरावड़ी, प्रोडक्शन कंपनी आर्का मीडिया वर्क्स द्वारा वितरित तेलुगु आर्का मीडिया वर्क्स, मलयालम ग्लोबल यूनाइटेड मीडिया, तमिल स्टूडियो ग्रीन 3 थेलुदल फिल्म्स, UV क्रिएशंस हिंदी, धर्मा प्रोडक्शंस AA फिल्म्स। रिलीज की तारीख 10 जुलाई 2015। कार्यकारी समय 158 मिनट तेलुगु, 159 मिनट तमिल। देश इंडिया। बोली तेलुगु तमिल। बजट 180 करोड़। बॉक्स ऑफिस अनुमानित ₹650 करोड़। फिल्म राजामौली के पिता KV विजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी, जिन्होंने बेहतरीन ढंग से उन्हें शिवगामी के बारे में एक कहानी सुनाई। एक महिला जो नदी पार करते समय अपने हाथ में एक बच्चे को ले जाती है और कुछ साल बाद कटप्पा के बारे में, जिसने राजामौली को चकित कर दिया। पौराणिक कथाओं के प्रति उनके आकर्षण और अमर चित्रकथा कॉमिक्स की कहानियों ने कहानी में उनकी रुचि को और बढ़ा दिया। हालांकि अंतिम मसौदे को पूरा करने में लेखकों को 3 महीने लग गए। साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर MM केरावनी द्वारा तैयार किया गया था, जबकि सिनेमेटोग्राफी, प्रोडक्शन डिज़ाइन और VFX को क्रमशः KK सेंथिल कुमार, साहू सीरिल और वी श्रीनिवास मोहन ने संभाला था। यह फिल्म ₹180 करोड़ $24 मिलियन के बजट पर बनी थी, जिससे यह रिलीज के समय सबसे महंगी भारतीय फिल्म बन गई। फिल्म 10 जुलाई 2015 को हिंदी और मलयालम में डब किए गए संस्करण के साथ दुनिया भर में खुली। आलोचकों की प्रशंसा और रिकॉर्ड ब्रेकिंग बॉक्स ऑफिस पर सफलता प्राप्त की। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर अपनी शुरुआती नाटकीय दौड़ में ₹586.45 करोड़ $78 मिलियन की कमाई के साथ यह भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। दुनिया भर में तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दक्षिण
भारतीय फिल्म बन गई। इसके जरिए होने के समय इसकी हिंदी डब वर्जन ने भी भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली डब फिल्म बनकर कई रिकॉर्ड तोड़े। तब से बजट और बॉक्स ऑफिस दोनों रिकॉर्ड बाहुबली 2 द कंक्लूजन से आगे निकल गए, जो अब तक की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। इसे कई सम्मान मिले। इसने सर्वश्रेष्ठ विशेष प्रभावों और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार जीतने वाली पहली तेलुगु फिल्म बन गई। 63वें फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ में तेलुगु संस्करण ने 10 नामांकन से 5 पुरस्कार जीते, जिसमें प्रकाशा सर्वश्रेष्ठ फिल्म, राजामौली के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और राम्या कृष्णा के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल हैं। बाहुबली द बिगिनिंग सैटर्न अवार्ड्स के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई, जिसे 42वें समारोह में 5 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फंतासी फिल्म और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री। भूखंड। प्राचीन भारतीय राज्य महिष्मति के पास शिवगामी नाम की एक घायल महिला को एक शिशु को लेकर एक पहाड़ी झरने से नीचे एक गुफा से बाहर निकलते हुए देखा जाता है। वह पीछा कर रहे 2 सैनिकों को मार देती है और एक उग्र नदी को पार करने का प्रयास करती है, लेकिन फिसल जाती है और धारा में बह जाती है। डूबने से पहले वह अपने हाथ से बच्चे को ऊपर रखती है और भगवान शिव से प्रार्थना करती है कि वह बच्चा जो महेंद्र बाहुबली है उसे जीवित रहना चाहिए। बच्चे को स्थानीय अंबुरी जनजाति के लोग बचाते हैं जो नदी के पास रहते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। बच्चों को पहाड़ पर वापस ले जाने की ग्रामीणों की दलीलों के बावजूद, जहां से वह आया था, जनजाति के सरदार सांगा की पत्नी ने उसे गोद लेने और उसे नुकसान से बचाने का फैसला किया। उसने बच्चे का नाम शिवड़ू शिव रखा है। शिव एक महत्वाकांक्षी और शरारती बच्चे के रूप में बड़ा होता है, जो पहाड़ पर चढ़ने के लक्ष्य से ग्रस्त है, जो यह जानने के लिए उत्सुक है कि शिव क्या है। सांगा की लगातार मिन्नतों के बावजूद वह लगातार कोशिश करता है और बार बार असफल होता है, हालांकि हर प्रयास में सुधार होता है। 25 साल की छोटी उम्र में जब वह एक लिंगम को उठाता है तो उसके पास अलौकिक शक्ति होती है शिव का, और इसे पर्वत के तल पर रखता है। बाद में उसे एक मुखौटा मिलता है जो स्पष्ट रूप से पहाड़ की चोटी से गिर गया है। यह महसूस करते हुए कि इसमें स्तरण विशेषताएं हो सकती हैं, वह पहाड़ पर चलने के लिए प्रेरित होता है और कठिनाई के बावजूद सफल होता है। शीर्ष पर वह अवंतिका नाम की एक महिला को बहिष्मति सैनिकों को मारते हुए देखता है। उसे पता चलता है कि वह एक स्थानीय प्रतिरोध जनजाति से एक योद्धा है, जो महिष्मति के अत्याचारी राजा भगवान भल्लाल देव भालवाल थेवन को उखाड़ फेंकने और एक महत्वपूर्ण बंदी राजकुमारी देवसेना को बचाने के उद्देश्य से समर्पित है, जो प्रतिरोध के प्रमुख की बहन होती है। जयवर्मा शिव तुरंत अवंतिका के साथ
प्यार में पड़ जाता है और चुपके से उसका पीछा करता है। यहाँ तक कि उसके हाथ पैर पर एक टैटू बनाने का प्रबंधन भी करता है। जब वह सो रही होती है आखिरकार वह शिव को खोज लेती है और उस पर हमला करती है, लेकिन शिव उस पर हावी हो जाते हैं, फिर उसे अपना मुखौटा लौटा देता है। यह महसूस करते हुए कि उसने सिर्फ उसके लिए पहाड़ पर चढ़ाई की थी, वह उसकी भावनाओं का प्रतिहार करती है। बाद में इस जोड़ी पर महिष्मति के और सैनिकों द्वारा हमला किया जाता है। उन्हें प्रबल करते हुए शिव ने देवसेना को बचाने का संकल्प लिया और चले गए। जब भल्लाल देव के जन्मदिन पर गुप्त रूप से महिष्मति में प्रवेश करता है और भल्ला की एक विशाल प्रतिमा को खड़ा करने में सावधानी से सहायता करता है। इस प्रक्रिया में वह स्पष्ट रूप से एक कार्यकर्ता द्वारा पहचाना जाता है, जो अन्य कार्यकर्ताओं के साथ बाहुबली नाम का जाप करता है। शिव के भ्रम और भल्ला की शर्मिंदगी के लिए बहुत कुछ शिव बाद में एक सैनिक के वेश में शाही महल में घुसपैठ करता है और हंगामा करता है, जिससे भल्ला और उसके रक्षक देवसेना को बचाने के लिए काफ़ी देर तक विचलित हो जाते हैं। भल्ला ने अपने दत्तक पुत्र भद्रा और देवसेना को पुनः प्राप्त करने के लिए अपने वफादार दास कटप्पा को भेजा। वे ऐसा करने का प्रबंधन करते हैं, लेकिन शिव उन पर हावी हो जाता है और भद्रा का सिर काट देता है। ठीक उसी समय जब संगा अमूरी अवंतिका और उसके हमवतन आते हैं, क्रोध होकर कटप्पा शिव पर झपट पड़ते हैं, लेकिन उनके चेहरे की एक झलक पाकर उस पर हमला करना बंद कर देते हैं। वह शिव के चरणों में गिर जाता है, उसे बाहुबली घोषित करता है। अगली सुबह एक मित्रवत कटप्पा शिव को उसकी असली उत्पत्ति के बारे में समझाता है। शिव वास्तव में महेंद्र बाहुबली है, जो महिष्मति के एक प्रसिद्ध योद्धा राजकुमार अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र हैं। कटप्पा फिर बताते हैं बीती बातें। अमरेंद्र का जन्म अनाथ के रूप में हुआ था। उनके पिता राजा विक्रमदेव की मृत्यु उनके जन्म से पहले ही हो गई थी और उनकी माता की मृत्यु उन्हें जन्म देते हुए हुई थी। विक्रमदेव के भाई और महिष्मति शाही परिवार में अगली पंक्ति के भगवान विज्जल देव को उनके चालाक और विक्षिप्त स्वभाव के कारण सिंहासन से वंचित कर दिया गया था। विज्जल देव की पत्नी लेडी शिवगामी ने एक अभिनय सम्राट के रूप में सत्ता संभाली। दोनों भल्ला जो उनके बेटे हुए और अमरेंद्र को समान रूप से पालने के इरादे से महिष्मति के सिंहासन के लिए अगले उत्तराधिकारी का उचित रूप से चयन करने के लिए भल्ला और अमरेंद्र दोनों को समान रूप से उठाया गया है और युद्ध गणित प्रशासन तर्क और कई अन्य विषयों की कलाओं में कठोरता से प्रशिक्षित किया गया है। विज्जल देव अपने बेटे को अगला राजा बनाने के लिए उत्सुक भल्ला को प्रोत्साहित करता है। वह सिंहासन पर चढ़ने के लिए हर संभव प्रयास करे। नतीजतन भल्ला अपनी प्रजा के साथ क्रूरता और बेफिक्री से पेश आता है। दूसरी ओर अमरेंद्र अधि परिपक्व होता है और राज्य में लोकप्रियता हासिल करता है। साकीथन नाम के राज्य में एक गद्दार दुर्भावनापूर्ण काल के जनजाति के लिए एक जासूस बन जाता है, जो राज्य के क्रूर और विध्वंसक होने के लिए जाने जाते हैं। उनके प्रमुख इंकोशी ने महिष्मति के साथ
पिछले संघर्ष के कारण युद्ध की घोषणा की और राजघरानों ने राजनीतिक प्रतिक्रिया दी। शिवनामी ने फैसला किया कि जो कोई इनकोशी को मारता है वह नया योग्य राजा होगा, इसलिए वे राजकुमारों को सेना सौंपते हैं। विजयदेव गुप्त रूप से सुनिश्चित करता है कि बल्ला के पास अधिक हथियार और पुरुष हों। बाहुबली आने वाली लड़ाई में नवीन रणनीति का उपयोग करके और साथ ही अपने सैनिकों को प्रेरित करने और बंधक विषयों को बचाने के लिए और अधिक काल के सैनिकों को नष्ट करने का प्रबंधन करता है। उसने इनकोशी को बस में कर लिया और भल्ला ने उसे मार डाला, लेकिन उसकी वीरता और अपने राज्य के लोगों के लिए चिंता के कारण शिवनामी ने उसे राजा बनाने का फैसला किया। वर्तमान समय में शिवु के माता पिता अमरेंद्र से मिलने की इच्छा रखते हैं। उनकी कहानी सुनकर प्रभावित हुए राज कटप्पा ने खुलासा किया कि अमरेंद्र मर चुका है। शिवु द्वारा अपने पिता की मृत्यु के बारे में पूछे जाने पर कटप्पा ने आगे खुलासा किया कि अमरेंद्र की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद की थी और इसकी काली हो गई थी। ढालना आपके क्रेडिट कास्ट निम्नलिखित है: अमरेंद्र बाहुबली के रूप में, महिष्मति के राजकुमार शिवनामी और के भतीजे और राज्य के प्रिय सदस्य और महेंद्र बाहुबली शिव तेलुगु शिव तमिल दोहरी भूमिका: राणा दग्गुबाती बल्लाल देव तेलुगु, पल बालथेवन तमिल के रूप में बाहुबली के बड़े चचेरे भाई और सिंहासन लेने के लिए अत्याचारी आकांक्षाओं के साथ एक बिगड़ैल अभिमानी राजकुमार, तमन्ना अवंतिका के रूप में कुंतला के एक पूर्व निवासी कुशल लड़ाके और प्रतिरोध के शक्तिशाली सदस्य, देवसेना तेलुगु देवसेनाई तमिल के रूप में अनुष्का शेट्टी महेंद्र बाहुबली की जैविक माँ जिसे महिष्मति में भल्ला के मनोरंजन के लिए प्रताड़ित और कैद किया गया है, शिवगामी के रूप में राम्या कृष्णन विजयदेव की पत्नी भल्ला की माँ और शाही परिवार की एक स्थापित उच्च रैंकिंग सदस्य जो राजकुमारों के बड़े होने पर राज्य की देखरेख करती है, करिकाल कटप्पा के रूप में सत्यराज महिष्मति के सशस्त्र बलों के सेनापति, महिष्मति के राजघरानों के लिए एक संरक्षक और लड़ाकू शिक्षक, इसके बावजूद उसकी हैसियत एक नौकर के बराबर है और राज्य के सम्राट से बंधे हुए दास योद्धाओं की एक लंबी कतार से आती है। विजयदेव तेलुगु पिंगलाथेवन तमिल के रूप में नासर विक्रमदेव के विचित्र बड़े भाई और एक विकृत बाएं हाथ वाले राजकुमार को खारिज कर दिया। अन्य सांगा के रूप में रोहिणी अंगुरी जनजाति की नेता और महेंद्र की दत्तक माता जयवर्मा के रूप में मीका रामकृष्ण कुंतला विद्रोहियों के नेता और देवसेना के भाई स्वामी जी के रूप में तनिकेला वरुणी एक अमूरी ऋषि जिन्होंने खुद को शिव की प्रार्थना के लिए समर्पित कर दिया है। विदुर तेलुगु भद्रा तमिल के रूप में आदिवासी शेष भल्लाल देव का दत्तक पुत्र जिसने अपने पिता के समान एक अभिमानी और नियंत्रित व्यक्तित्व लिया है। इनकोशी के रूप में प्रभाकर कालके के राजा जिन्होंने एक युवा लड़के के रूप में नेतृत्व किया और उनके असफल संघर्ष के बाद महिष्मति पर युद्ध की घोषणा की। असलम खान के रूप में सुदीप एक अरब हथियार का सौदागर जो कटप्पा से दोस्ती करता है। इनकोशी के भाई के रूप में चरणदीप मधु स्नेहा उपाध्याय मनोहारी गीत में नीले ब्लाउज में नर्तकी के रूप में नोरा फतेही
हरे रंग के ब्लाउज में मनोहारी गाने में नर्तकी के रूप में, मनोहारी गाने में नारंगी ब्लाउज में नर्तकी के रूप में, स्कारलेट मेलिस विल्सन मनोहारी गीत से पहले स्पिरिट सेलर के रूप में, एसएस राजा मौली हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल सेट पर सेट कीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और फिर आप हमारी वीडियो को आसानी से देख पाएँ। धन्यवाद। बाहुबली द बिगनिंग, बाहुबली द बिगनिंग एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित 2015 की भारतीय महाकाव्य एक्शन फिल्म है और आर्का मीडिया वर्क के तहत शोभू ग्यार लागड्डिया और प्रसाद देवी नेनी द्वारा निर्मित है। तेलुगु और बाद में तमिल भाषाओं में एक साथ शूट की गई फिल्म में प्रभास राणा, दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना, राम्या कृष्णा, सत्यराज और नासर सहित कलाकारों की टुकड़ी है। दो सिनेमाई भागों में से पहला फिल्म शिवडू शिव का अनुसरण करती है, जो एक साहसी युवक है जो अपने प्यार अवंतिका को माहिष्मती की पूर्व रानी देवसेना को बचाने में मदद करता है, जो अब राजा भल्लाल देव के अत्याचारी शासन के तहत एक कैदी है। कहानी का समापन बाहुबली टू द कंक्लूजन में होता है। निर्देशक एसएस राजामौली, पटकथा की है एसएस राजामौली। कहानी द्वारा केवी विजेंद्र प्रसाद द्वारा उत्पादित शोभू यार लागड्डिया, प्रसाद देवीनेनी, अभिनीत प्रभासी, राणा दग्गुबाती, तमन्ना भाटिया, अनुष्का शेट्टी, राम्या कृष्ण, सत्यराजी, नासिर, छायांकन के सेंथिल कुमार द्वारा संपादित कोटागिरी वेंकटेश्वर राय, संगीत दिया है एम कीरावड़ी, प्रोडक्शन कंपनी आर्का मीडिया वर्क्स द्वारा वितरित तेलुगु आर्का मीडिया वर्क्स, मलयालम ग्लोबल यूनाइटेड मीडिया, तमिल स्टूडियो ग्रीन 3 थेलुदल फिल्म्स, यूवी क्रिएशंस हिंदी, धर्मा प्रोडक्शंस ए फिल्म्स। रिलीज की तारीख 10 जुलाई 2015। कार्यकारी समय 158 मिनट तेलुगु, 159 मिनट तमिल। देश इंडिया। बोली तेलुगु तमिल। बजट 180 करोड़। बॉक्स ऑफिस अनुमानित रुपये 650 करोड़। फिल्म राजामौली के पिता के वी विजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी, जिन्होंने बेहतरीन ढंग से उन्हें शिवगामी के बारे में एक कहानी सुनाई। एक महिला जो नदी पार करते समय अपने हाथ में एक बच्चे को ले जाती है और कुछ साल बाद कटप्पा के बारे में, जिसने राजामौली को
चकित कर दिया। पौराणिक कथाओं के प्रति उनके आकर्षण और अमर चित्रकथा कॉमिक्स की कहानियों ने कहानी में उनकी रुचि को और बढ़ा दिया। हालांकि अंतिम मसौदे को पूरा करने में लेखकों को 3 महीने लग गए। साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर M.M. केरावनी द्वारा तैयार किया गया था, जबकि सिनेमेटोग्राफी प्रोडक्शन डिज़ाइन और VFX को क्रमशः K.K. सेंथिल कुमार, साहू सीरिल और V. श्रीनिवास मोहन ने संभाला था। यह फिल्म ₹180 करोड़ $24 मिलियन के बजट पर बनी थी, जिससे यह रिलीज के समय सबसे महंगी भारतीय फिल्म बन गई। फिल्म 10 जुलाई 2015 को हिंदी और मलयालम में डब किए गए संस्करण के साथ दुनिया भर में खुली। आलोचकों की प्रशंसा और रिकॉर्ड ब्रेकिंग बॉक्स ऑफिस पर सफलता प्राप्त की। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर अपनी शुरुआती नाटकीय दौड़ में ₹586.45 करोड़ $78 मिलियन की कमाई के साथ यह भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। दुनिया भर में 3री सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दक्षिण भारतीय फिल्म बन गई। इसके जरिए होने के समय इसके हिंदी डब वर्जन ने भी भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली डब फिल्म बनकर कई रिकॉर्ड तोड़े। तब से बजट और बॉक्स ऑफिस दोनों रिकॉर्ड बाहुबली 2 द कंक्लूजन से आगे निकल गए, जो अब तक की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। इसे कई सम्मान मिले। इसने सर्वश्रेष्ठ विशेष प्रभावों और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार जीतने वाली पहली तेलुगु फिल्म बन गई। 63वें फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ में तेलुगु संस्करण ने 10 नामांकन से 5 पुरस्कार जीते, जिसमें प्रकाशा सर्वश्रेष्ठ फिल्म, राजामौली के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और राम्या कृष्णा के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल हैं। बाहुबली द बिगिनिंग सैटर्न अवार्ड्स के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई, जिसे 42वें समारोह में 5 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फंतासी फिल्म और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री। भूखंड। प्राचीन भारतीय राज्य महिष्मति के पास शिवगामी नाम की एक घायल महिला को एक शिशु को लेकर एक पहाड़ी झरने से नीचे एक गुफा से बाहर निकलते हुए देखा जाता है। वह पीछा कर रहे 2 सैनिकों को मार देती है और एक उग्र नदी को पार करने का प्रयास करती है, लेकिन फिसल जाती है और धारा में बह जाती है। डूबने से पहले वह अपने हाथ से बच्चे को ऊपर रखती है और भगवान शिव से प्रार्थना करती है कि वह बच्चा, जो महेंद्र बाहुबली है, उसे जीवित रहना चाहिए। बच्चे को स्थानीय अंबुरी जनजाति के लोग बचाते हैं, जो नदी के पास रहते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। बच्चों को पहाड़ पर वापस ले जाने की ग्रामीणों की दलीलों के बावजूद, जहां से वह आया था, जनजाति के सरदार सांगा की पत्नी ने उसे गोद लेने और उसे नुकसान से बचाने का फैसला किया। उसने बच्चे का नाम शिवड़ू शिव रखा है।
शिव एक महत्वाकांक्षी और शरारती बच्चे के रूप में बड़ा होता है, जो पहाड़ पर चढ़ने के लक्ष्य से ग्रस्त है, जो यह जानने के लिए उत्सुक है कि शीर्ष क्या है। सांगा की लगातार मिन्नतों के बावजूद वह लगातार कोशिश करता है और बार बार असफल होता है, हालांकि हर प्रयास में सुधार होता है। 25 साल की छोटी उम्र में जब वह एक लिंगम को उठाता है तो उसके पास अलौकिक शक्ति होती है शिव का, और इसे पर्वत के तल पर रखता है। बाद में उसे एक मुखौटा मिलता है जो स्पष्ट रूप से पहाड़ की चोटी से गिर गया है। यह महसूस करते हुए कि इसमें स्तरण विशेषताएं हो सकती हैं, वह पहाड़ पर चलने के लिए प्रेरित होता है और कठिनाई के बावजूद सफल होता है। शीर्ष पर वह अवंतिका नाम की एक महिला को बहिष्मती सैनिकों को मारते हुए देखता है। उसे पता चलता है कि वह एक स्थानीय प्रतिरोध जनजाति से एक योद्धा है, जो महिष्मती के अत्याचारी राजा भगवान भल्लाल देव और भालवाल थेवन को उखाड़ फेंकने और एक महत्वपूर्ण बंदी राजकुमारी देवसेना को बचाने के उद्देश्य से समर्पित है, जो प्रतिरोध के प्रमुख की बहन होती है। जयवर्मा शिव तुरंत अवंतिका के साथ प्यार में पड़ जाता है और चुपके से उसका पीछा करता है, यहाँ तक कि उसके हाथ पैर पर एक टैटू बनाने का प्रबंधन भी करता है। जब वह सो रही होती है आखिरकार वह शिव को खोज लेती है और उस पर हमला करती है, लेकिन शिव उस पर हावी हो जाते हैं, फिर उसे अपना मुखौटा लौटा देता है। यह महसूस करते हुए कि उसने सिर्फ उसके लिए पहाड़ पर चढ़ाई की थी, वह उसकी भावनाओं का प्रतिहार करती है। बाद में इस जोड़ी पर महिष्मती के और सैनिकों द्वारा हमला किया जाता है। उन्हें प्रबल करते हुए शिव ने देवसेना को बचाने का संकल्प लिया और चले गए। जब भल्लाल देव के जन्मदिन पर गुप्त रूप से महिष्मती में प्रवेश करता है और भल्ला की एक विशाल प्रतिमा को खड़ा करने में सावधानी से सहायता करता है, इस प्रक्रिया में वह स्पष्ट रूप से एक कार्यकर्ता द्वारा पहचाना जाता है, जो अन्य कार्यकर्ताओं के साथ बाहुबली नाम का जाप करता है। शिव के भ्रम और भल्ला की शर्मिंदगी के लिए बहुत कुछ शिव बाद में एक सैनिक के वेश में शाही महल में घुसपैठ करता है और हंगामा करता है, जिससे भल्ला और उसके रक्षक देवसेना को बचाने के लिए काफ़ी देर तक विचलित हो जाते हैं। भल्ला ने अपने दत्तक पुत्र भद्रा और देवसेना को पुनः प्राप्त करने के लिए अपने वफादार दास कटप्पा को भेजा, वे ऐसा करने का प्रबंधन करते हैं, लेकिन शिव उन पर हावी हो जाता है और भद्रा का सिर काट देता है। ठीक उसी समय जब संगा अमूरी अवंतिका और उसके हमवतन आते हैं, क्रोध होकर कटप्पा शिव पर झपट पड़ते हैं, लेकिन उनके चेहरे की एक झलक पाकर उस पर हमला करना बंद कर देते हैं। वह शिव के चरणों में गिर जाता है, उसे बाहुबली घोषित करता है। अगली सुबह एक मित्रवत कटप्पा शिव को उसकी असली उत्पत्ति के बारे में समझाता है। शिव वास्तव में महेंद्र बाहुबली है, जो बहिष्मती के एक प्रसिद्ध योद्धा राजकुमार अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र हैं। कटप्पा फिर बताते हैं बीती बातें। अमरेंद्र का जन्म अनाथ के रूप में हुआ था। उनके पिता राजा विक्रमदेव की मृत्यु उनके जन्म से पहले ही हो गई
थी और उनकी माता की मृत्यु उन्हें जन्म देते हुए हुई थी। विक्रमदेव के भाई और महिष्मती शाही परिवार में अगली पंक्ति के भगवान विज्जल देव को उनके चालाक और विक्षिप्त स्वभाव के कारण सिंहासन से वंचित कर दिया गया था। विज्जल देव की पत्नी लेडी शिवगामी ने एक अभिनय सम्राट के रूप में सत्ता संभाली। दोनों भल्ला जो उनके बेटे हुए और अमरेंद्र को समान रूप से पालने के इरादे से माहिष्मती के सिंहासन के लिए अगले उत्तराधिकारी का उचित रूप से चयन करने के लिए भल्ला और अमरेंद्र दोनों को समान रूप से उठाया गया है और युद्ध, गणित, प्रशासन, तर्क और कई अन्य विषयों की कलाओं में कठोरता से प्रशिक्षित किया गया है। विज्जल देव अपने बेटे को अगला राजा बनाने के लिए उत्सुक भल्ला को प्रोत्साहित करता है। वह सिंहासन पर चढ़ने के लिए हर संभव प्रयास करे। नतीजतन भल्ला अपनी प्रजा के साथ क्रूरता और बेफिक्री से पेश आता है। दूसरी ओर अमरेंद्र अधिक परिपक्व होता है और राज्य में लोकप्रियता हासिल करता है। साकीथन नाम के राज्य में एक गद्दार दुर्भावनापूर्ण काल के जनजाति के लिए एक जासूस बन जाता है जो राज्यों के क्रूर और विध्वंसक होने के लिए जाने जाते हैं। उनके प्रमुख इंकोशी ने माहिष्मती के साथ पिछले संघर्ष के कारण युद्ध की घोषणा की और राजघरानों ने राजनीतिक प्रतिक्रिया दी। शिवगामी ने फैसला किया कि जो कोई इंकोशी को मारता है वह नया योग्य राजा होगा, इसलिए वे राजकुमारों को सेना सौंपते हैं। विज्जल देव गुप्त रूप से सुनिश्चित करता है कि भल्ला के पास अधिक हथियार और पुरुष हों। बाहुबली आने वाली लड़ाई में नवीन रणनीति का उपयोग करके और साथ ही अपने सैनिकों को प्रेरित करने और बंधक विषयों को बचाने के लिए और अधिक काल के सैनिकों को नष्ट करने का प्रबंधन करता है। उसने इंकोशी को बस में कर लिया और भल्ला ने उसे मार डाला, लेकिन उसकी वीरता और अपने राज्य के लोगों के लिए चिंता के कारण शिवगामी ने उसे राजा बनाने का फैसला किया। वर्तमान समय में शिवु के माता पिता अमरेंद्र से मिलने की इच्छा रखते हैं। उनकी कहानी सुनकर प्रभावित हुए नटराज कटप्पा ने खुलासा किया कि अमरेंद्र मर चुका है। शिवु द्वारा अपने पिता की मृत्यु के बारे में पूछे जाने पर कटप्पा ने आगे खुलासा किया कि अमरेंद्र की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद की थी और इसकी काली हो गई थी। ढालना आपके क्रेडिट कास्ट निम्नलिखित है: अमरेंद्र बाहुबली के रूप में, माहिष्मती के राजकुमार शिवगामी और के भतीजे और राज्य के प्रिय सदस्य और महेंद्र बाहुबली शिव तेलुगु शिव तमिल दोहरी भूमिका: राणा दग्गुबाती बल्लाल देव तेलुगु पल बाल थेवन तमिल के रूप में बाहुबली के बड़े चचेरे भाई और सिंहासन लेने के लिए अत्याचारी आकांक्षाओं के साथ एक बिगड़ैल अभिमानी राजकुमार तमन्हा अवंतिका के रूप में कुंतला के एक पूर्व निवासी कुशल लड़ाके और प्रतिरोध के शक्तिशाली सदस्य देवसेना तेलुगु देवसेनाई तमिल के रूप में अनुष्का शेट्टी महेंद्र बाहुबली की जैविक माँ जिसे महिष्मती में भल्ला के मनोरंजन के लिए प्रताड़ित और कैद किया गया है। शिवगामी के रूप में राम्या कृष्णन विज्जल देव की पत्नी भल्ला की माँ और शाही परिवार की एक स्थापित उच्च रैंकिंग सदस्य जो राजकुमारों के बड़े होने पर राज्य की देखरेख करती है।
करिकाल कटप्पा के रूप में सत्यराज माहिष्मति के सशस्त्र बलों के सेनापति माहिष्मति के राजघरानों के लिए एक संरक्षक और लड़ाकू शिक्षक, इसके बावजूद उसकी हैसियत एक नौकर के बराबर है और राज्य के सम्राट से बंधे हुए दास योद्धाओं की एक लंबी कतार से आती है। विजलदेव तेलुगु पिंगला थेवन तमिल के रूप में नासर विक्रमदेव के विचित्र बड़े भाई और एक विकृत बाएं हाथ वाले राजकुमार को खारिज कर दिया। अन्य सांगा के रूप में रोहिणी अंगुरी जनजाति की नेता और महेंद्र की दत्तक माता जयवर्मा के रूप में मीका रामकृष्ण कुंतला विद्रोहियों के नेता और देवसेना के भाई स्वामी जी के रूप में तनिकेला वरुणी एक अमूरी ऋषि जिन्होंने खुद को शिव की प्रार्थना के लिए समर्पित कर दिया है। विदुर तेलुगु भद्रा तमिल के रूप में आदिवासी शेष भल्लाल देव का दत्तक पुत्र जिसने अपने पिता के समान एक अभिमानी और नियंत्रित व्यक्तित्व लिया है। इनकोशी के रूप में प्रभाकर कालके के राजा जिन्होंने एक युवा लड़के के रूप में नेतृत्व किया और उनके असफल संघर्ष के बाद माहिष्मति पर युद्ध की घोषणा की। असलम खान के रूप में सुदीप एक अरब हथियार का सौदागर जो कटप्पा से दोस्ती करता है। इनकोशी के भाई के रूप में चरणदीप मधु स्नेहा उपाध्याय मनोहारी गीत में नीले ब्लाउज में नर्तकी के रूप में नोरा फतेही हरे रंग के ब्लाउज में मनोहारी गाने में नर्तकी के रूप में मनोहारी गाने में नारंगी ब्लाउज में नर्तकी के रूप में स्कारलेट मेलिस विल्सन मनोहारी गीत से पहले स्पिरिट सेलर के रूप में एसएस राजा मौली हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल सेट पर सेट कीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और फिर आप हमारी वीडियो को आसानी से देख पाएं। धन्यवाद। बाहुबली द बिगनिंग एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित 2015 की भारतीय महाकाव्य एक्शन फिल्म है और आर्का मीडिया वर्क के तहत शोभू ग्यारह लागड्डिया और प्रसाद देवी नेनी द्वारा निर्मित है। तेलुगु और बाद में तमिल भाषाओं में एक साथ शूट की गई फिल्म में प्रभास राणा दग्गुबाती अनुष्का शेट्टी तमन्ना राम्या कृष्णा सत्यराज और नासर सहित कलाकारों की टुकड़ी है। दो सिनेमाई भागों में से पहला फिल्म शिवडू शिव का अनुसरण करती है जो एक साहसी युवक है जो अपने प्यार अवंतिका को माहिष्मति की पूर्व रानी देवसेना को बचाने में मदद करता है जो अब राजा भल्लाल देव के अत्याचारी शासन के तहत एक कैदी है। कहानी का समापन बाहुबली टू द कंक्लूजन में होता है। निर्देशक एसएस राजामौली, पटकथा की है एसएस राजामौली। कहानी द्वारा केवी विजेंद्र प्रसाद,
द्वारा उत्पादित शोभू यारलागड्डिया, प्रसाद देवनेनी, अभिनीत प्रभासी, राणा दग्गुबाती, तमन्ना भाटिया, अनुष्का शेट्टी, राम्या कृष्ण, सत्यराजी, नासिर, छायांकन के सेंथिल कुमार द्वारा संपादित कोटागिरी वेंकटेश्वर राय, संगीत दिया है M.M. कीरावड़ी, प्रोडक्शन कंपनी अर्का मीडिया वर्क्स द्वारा वितरित तेलुगु अर्का मीडिया वर्क्स, मलयालम ग्लोबल यूनाइटेड मीडिया, तमिल स्टूडियो ग्रीन 3 थेलुगल फिल्म्स, यूवी क्रिएशंस हिंदी, धर्मा प्रोडक्शंस AA फिल्म्स। रिलीज की तारीख 10 जुलाई 2015। कार्यकारी समय 158 मिनट तेलुगु, 159 मिनट तमिल। देश इंडिया। बोली तेलुगु तमिल। बजट 180 करोड़। बॉक्स ऑफिस अनुमानित रुपये 650 करोड़। फिल्म राजामौली के पिता KV विजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी, जिन्होंने बेहतरीन ढंग से उन्हें शिवगामी के बारे में एक कहानी सुनाई। एक महिला जो नदी पार करते समय अपने हाथ में एक बच्चे को ले जाती है, और कुछ साल बाद कटप्पा के बारे में, जिसने राजामौली को चकित कर दिया। पौराणिक कथाओं के प्रति उनके आकर्षण और अमर चित्रकथा कॉमिक्स की कहानियों ने कहानी में उनकी रुचि को और बढ़ा दिया। हालांकि अंतिम मसौदे को पूरा करने में लेखकों को 3 महीने लग गए। साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर M.M. केरावनी द्वारा तैयार किया गया था, जबकि सिनेमेटोग्राफी, प्रोडक्शन डिज़ाइन और VFX को क्रमशः KK सेंथिल कुमार, साहू सीरिल और V श्रीनिवास मोहन ने संभाला था। यह फिल्म रुपये 180 करोड़ US डॉलर 24 मिलियन के बजट पर बनी थी, जिससे यह रिलीज के समय सबसे महंगी भारतीय फिल्म बन गई। फिल्म 10 जुलाई 2015 को हिंदी और मलयालम में डब किए गए संस्करण के साथ दुनिया भर में खुली। आलोचकों की प्रशंसा और रिकॉर्ड ब्रेकिंग बॉक्स ऑफिस पर सफलता प्राप्त की। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर अपनी शुरुआती नाटकीय दौड़ में ₹586.45 करोड़ US डॉलर 78 मिलियन की कमाई के साथ यह भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। दुनिया भर में तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दक्षिण भारतीय फिल्म बन गई। इसके जरिए होने के समय इसकी हिंदी डब वर्जन ने भी भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली डब फिल्म बनकर कई रिकॉर्ड तोड़े। तब से बजट और बॉक्स ऑफिस दोनों रिकॉर्ड बाहुबली 2 द कंक्लूजन से आगे निकल गए, जो अब तक की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। इसे कई सम्मान मिले। इसने सर्वश्रेष्ठ विशेष प्रभावों और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार जीतने वाली पहली तेलुगु फिल्म बन गई। 63वें फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ में तेलुगु संस्करण ने 10 नामांकन से 5 पुरस्कार जीते, जिसमें प्रकाशा सर्वश्रेष्ठ फिल्म, राजामौली के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और राम्या कृष्णा के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक
अभिनेत्री शामिल हैं। बाहुबली द बिगिनिंग सैटर्न अवार्ड्स के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई, जिसे 42वें समारोह में 5 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फंतासी फिल्म और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री। भूखंड। प्राचीन भारतीय राज्य महिष्मती के पास शिवगामी नाम की एक घायल महिला को एक शिशु को लेकर एक पहाड़ी झरने से नीचे एक गुफा से बाहर निकलते हुए देखा जाता है। वह पीछा कर रहे 2 सैनिकों को मार देती है और एक उग्र नदी को पार करने का प्रयास करती है, लेकिन फिसल जाती है और धारा में बह जाती है। डूबने से पहले वह अपने हाथ से बच्चे को ऊपर रखती है और भगवान शिव से प्रार्थना करती है कि वह बच्चा जो महेंद्र बाहुबली है उसे जीवित रहना चाहिए। बच्चे को स्थानीय अंबुरी जनजाति के लोग बचाते हैं जो नदी के पास रहते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। बच्चों को पहाड़ पर वापस ले जाने की ग्रामीणों की दलीलों के बावजूद, जहां से वह आया था, जनजाति के सरदार सांगा की पत्नी ने उसे गोद लेने और उसे नुकसान से बचाने का फैसला किया। उसने बच्चे का नाम शिवड़ू शिव रखा है। शिव एक महत्वाकांक्षी और शरारती बच्चे के रूप में बड़ा होता है, जो पहाड़ पर चढ़ने के लक्ष्य से ग्रस्त है, जो यह जानने के लिए उत्सुक है कि शिव क्या है। सांगा की लगातार मिन्नतों के बावजूद वह लगातार कोशिश करता है और बार बार असफल होता है, हालांकि हर प्रयास में सुधार होता है। 25 साल की छोटी उम्र में जब वह एक लिंगम को उठाता है तो उसके पास अलौकिक शक्ति होती है शिव का, और इसे पर्वत के तल पर रखता है। बाद में उसे एक मुखौटा मिलता है जो स्पष्ट रूप से पहाड़ की चोटी से गिर गया है। यह महसूस करते हुए कि इसमें स्त्रैण विशेषताएं हो सकती हैं, वह पहाड़ पर चलने के लिए प्रेरित होता है और कठिनाई के बावजूद सफल होता है। शीर्ष पर वह अवंतिका नाम की एक महिला को बहिष्मती सैनिकों को मारते हुए देखता है। उसे पता चलता है कि वह एक स्थानीय प्रतिरोध जनजाति से एक योद्धा है, जो महिष्मती के अत्याचारी राजा भगवान भल्लाल देव भालवाल थेवन को उखाड़ फेंकने और एक महत्वपूर्ण बंदी राजकुमारी देवसेना को बचाने के उद्देश्य से समर्पित है, जो प्रतिरोध के प्रमुख की बहन होती है। जयवर्मा शिव तुरंत अवंतिका के साथ प्यार में पड़ जाता है और चुपके से उसका पीछा करता है, यहाँ तक कि उसके हाथ पैर पर एक टैटू बनाने का प्रबंधन भी करता है। जब वह सो रही होती है, आखिरकार वह शिव को खोज लेती है और उस पर हमला करती है, लेकिन शिव उस पर हावी हो जाते हैं, फिर उसे अपना मुखौटा लौटा देता है। यह महसूस करते हुए कि उसने सिर्फ उसके लिए पहाड़ पर चढ़ाई की थी, वह उसकी भावनाओं का प्रतिहार करती है। बाद में इस जोड़ी पर महिष्मती के और सैनिकों द्वारा हमला किया जाता है। उन्हें प्रबल करते हुए शिव ने देवसेना को बचाने का संकल्प लिया और चले गए। जब भल्लाल देव के जन्मदिन पर गुप्त रूप से महिष्मती में प्रवेश करता है और भल्ला की एक विशाल प्रतिमा को खड़ा करने में सावधानी से सहायता करता है, इस प्रक्रिया में
वह स्पष्ट रूप से एक कार्यकर्ता द्वारा पहचाना जाता है जो अन्य कार्यकर्ताओं के साथ बाहुबली नाम का जाप करता है। शिव के भ्रम और भल्ला की शर्मिंदगी के लिए बहुत कुछ शिव बाद में एक सैनिक के वेश में शाही महल में घुसपैठ करता है और हंगामा करता है, जिससे भल्ला और उसके रक्षक देवसेना को बचाने के लिए काफ़ी देर तक विचलित हो जाते हैं। भल्ला ने अपने दत्तक पुत्र भद्रा और देवसेना को पुनः प्राप्त करने के लिए अपने वफादार दास कटप्पा को भेजा। वे ऐसा करने का प्रबंधन करते हैं, लेकिन शिव उन पर हावी हो जाता है और भद्रा का सिर काट देता है। ठीक उसी समय जब संगा, अमूरी, अवंतिका और उसके हमवतन आते हैं, क्रोध होकर कटप्पा शिव पर झपट पड़ते हैं, लेकिन उनके चेहरे की एक झलक पाकर उस पर हमला करना बंद कर देते हैं। वह शिव के चरणों में गिर जाता है, उसे बाहुबली घोषित करता है। अगली सुबह एक मित्रवत कटप्पा शिव को उसकी असली उत्पत्ति के बारे में समझाता है। शिव वास्तव में महेंद्र बाहुबली है, जो भैष्मती के एक प्रसिद्ध योद्धा राजकुमार अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र हैं। कटप्पा फिर बताते हैं बीती बातें। अमरेंद्र का जन्म अनाथ के रूप में हुआ था। उनके पिता राजा विक्रमदेव की मृत्यु उनके जन्म से पहले ही हो गई थी और उनकी माता की मृत्यु उन्हें जन्म देते हुए हुई थी। विक्रमदेव के भाई और महिष्मती शाही परिवार में अगली पंक्ति के भगवान विज्जल देव को उनके चालाक और विचित्र स्वभाव के कारण सिंहासन से वंचित कर दिया गया था। विज्जल देव की पत्नी लेडी शिवगामी ने एक अभिनय सम्राट के रूप में सत्ता संभाली। दोनों भल्ला, जो उनके बेटे हुए और अमरेंद्र को समान रूप से पालने के इरादे से माहिष्मती के सिंहासन के लिए अगले उत्तराधिकारी का उचित रूप से चयन करने के लिए भल्ला और अमरेंद्र दोनों को समान रूप से उठाया गया है और युद्ध, गणित, प्रशासन, तर्क और कई अन्य विषयों की कलाओं में कठोरता से प्रशिक्षित किया गया है। विज्जल देव अपने बेटे को अगला राजा बनाने के लिए उत्सुक भल्ला को प्रोत्साहित करता है। वह सिंहासन पर चढ़ने के लिए हर संभव प्रयास करे। नतीजतन भल्ला अपनी प्रजा के साथ क्रूरता और बेफिक्री से पेश आता है। दूसरी ओर अमरेंद्र अधिक परिपक्व होता है और राज्य में लोकप्रियता हासिल करता है। साकीथन नाम के राज्य में एक गद्दार दुर्भावनापूर्ण काल के जनजाति के लिए एक जासूस बन जाता है, जो राज्यों के क्रूर और विध्वंसक होने के लिए जाने जाते हैं। उनके प्रमुख इंकोशी ने माहिष्मती के साथ पिछले संघर्ष के कारण युद्ध की घोषणा की और राजघरानों ने राजनीतिक प्रतिक्रिया दी। शिवगामी ने फैसला किया कि जो कोई इंकोशी को मारता है वह नया योग्य राजा होगा, इसलिए वे राजकुमारों को सेना सौंपते हैं। विज्जल देव गुप्त रूप से सुनिश्चित करता है कि भल्ला के पास अधिक हथियार और पुरुष हों। बाहुबली आने वाली लड़ाई में नवीन रणनीति का उपयोग करके और साथ ही अपने सैनिकों को प्रेरित करने और बंधक विषयों को बचाने के लिए और अधिक काल के सैनिकों को नष्ट करने का प्रबंधन करता है। उसने इंकोशी को बस में कर लिया और भल्ला ने उसे मार डाला, लेकिन उसकी वीरता और अपने राज्य के लोगों के लिए चिंता के कारण शिवगामी ने उसे राजा बनाने का फैसला किया। वर्तमान समय में
शिवू के माता पिता अमरेंद्र से मिलने की इच्छा रखते हैं। उनकी कहानी सुनकर प्रभावित हुए राज कटप्पा ने खुलासा किया कि अमरेंद्र मर चुका है। शिवू द्वारा अपने पिता की मृत्यु के बारे में पूछे जाने पर कटप्पा ने आगे खुलासा किया कि अमरेंद्र की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद की थी और इसकी काली हो गई थी। ढालना आपके क्रेडिट कास्ट निम्नलिखित है: अमरेंद्र बाहुबली के रूप में, महिष्मती के राजकुमार शिवगामी और के भतीजे और राज्य के प्रिय सदस्य और महेंद्र बाहुबली शिव तेलुगु शिव तमिल दोहरी भूमिका: राणा दग्गुबाती बल्लाल देव तेलुगु, पल बालथेवन तमिल के रूप में बाहुबली के बड़े चचेरे भाई और सिंहासन लेने के लिए अत्याचारी आकांक्षाओं के साथ एक बिगड़ैल अभिमानी राजकुमार, तमन्ना अवंतिका के रूप में कुंतला के एक पूर्व निवासी कुशल लड़ाके और प्रतिरोध के शक्तिशाली सदस्य, देवसेना तेलुगु देवसेनाई तमिल के रूप में अनुष्का शेट्टी महेंद्र बाहुबली की जैविक माँ जिसे महिष्मती में भल्ला के मनोरंजन के लिए प्रताड़ित और कैद किया गया है, शिवगामी के रूप में राम्या कृष्णन बिज्जलदेव की पत्नी भल्ला की माँ और शाही परिवार की एक स्थापित उच्च रैंकिंग सदस्य जो राजकुमारों के बड़े होने पर राज्य की देखरेख करती है, करिकाल कटप्पा के रूप में सत्यराज महिष्मती के सशस्त्र बलों के सेनापति महिष्मती के राजघरानों के लिए एक संरक्षक और लड़ाकू शिक्षक, इसके बावजूद उसकी हैसियत एक नौकर के बराबर है और राज्य के सम्राट से बंधे हुए दास योद्धाओं की एक लंबी कतार से आती है। बिज्जलदेव तेलुगु पिंगलाथेवन तमिल के रूप में नासर विक्रमदेव के विचित्र बड़े भाई और एक विकृत बाएं हाथ वाले राजकुमार को खारिज कर दिया। अन्य सांगा के रूप में रोहिणी अंगुरी जनजाति की नेता और महेंद्र की दत्तक माता जयवर्मा के रूप में मीका रामकृष्ण कुंतला विद्रोहियों के नेता और देवसेना के भाई स्वामी जी के रूप में तनिकेला वरुणी एक अमूरी ऋषि जिन्होंने खुद को शिव की प्रार्थना के लिए समर्पित कर दिया है। विदुर तेलुगु भद्रा तमिल के रूप में आदिवासी शेष भल्लाल देव का दत्तक पुत्र जिसने अपने पिता के समान एक अभिमानी और नियंत्रित व्यक्तित्व लिया है। इंकोशी के रूप में प्रभाकर कालके के राजा जिन्होंने एक युवा लड़के के रूप में नेतृत्व किया और उनके असफल संघर्ष के बाद महिष्मती पर युद्ध की घोषणा की। असलम खान के रूप में सुदीप एक अरब हथियार का सौदागर जो कटप्पा से दोस्ती करता है। इंकोशी के भाई के रूप में चरणदीप मधु स्नेहा उपाध्याय मनोहारी गीत में नीले ब्लाउज में नर्तकी के रूप में नोरा फतेही हरे रंग के ब्लाउज में मनोहारी गाने में नर्तकी के रूप में मनोहारी गाने में नारंगी ब्लाउज में नर्तकी के रूप में स्कारलेट मेलिस विल्सन मनोहारी गीत से पहले स्पिरिट सेलर के रूप में एसएस राजा मौली हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में
नोटिफिकेशन बेल को ऑल सेट पर सेट कीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और फिर आप हमारी वीडियो को आसानी से देख पाएं। धन्यवाद। बाहुबली द बिगनिंग SS राजामौली द्वारा निर्देशित 2015 की भारतीय महाकाव्य एक्शन फिल्म है और अर्का मीडिया वर्क के तहत शोभू ग्यारह लागड्डिया और प्रसाद देवी नेनी द्वारा निर्मित है। तेलुगु और बाद में तमिल भाषाओं में एक साथ शूट की गई फिल्म में प्रभास राणा, दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना, राम्या कृष्णा, सत्यराज और नासर सहित कलाकारों की टुकड़ी है। दो सिनेमाई भागों में से पहला फिल्म सिवडू शिव का अनुसरण करती है, जो एक साहसी युवक है जो अपने प्यार अवंतिका को माहिष्मती की पूर्व रानी देवसेना को बचाने में मदद करता है, जो अब राजा भल्लाल देव के अत्याचारी शासन के तहत एक कैदी है। कहानी का समापन बाहुबली टू द कंक्लूजन में होता है। निर्देशक SS राजामौली। पटकथा की है SS राजामौली। कहानी द्वारा KV विजेंद्र प्रसाद द्वारा उत्पादित शोभू यार लागड्या। प्रसाद देवनेनी। अभिनीत प्रभासी, राणा दग्गुबाती, तमन्ना भाटिया, अनुष्का शेट्टी, राम्या कृष्ण, सत्यराजी, नासिर। छायांकन KK सेंथिल कुमार द्वारा संपादित कोटागिरी वेंकटेश्वर राय। संगीत दिया है MM कीरावड़ी। प्रोडक्शन कंपनी अर्का मीडिया वर्क्स द्वारा वितरित तेलुगु अर्का मीडिया वर्क्स, मलयालम ग्लोबल यूनाइटेड मीडिया, तमिल स्टूडियो ग्रीन 3 थेलुगल फिल्म्स, UV क्रिएशंस हिंदी, धर्मा प्रोडक्शंस AA फिल्म्स। रिलीज की तारीख 10 जुलाई 2015। कार्यकारी समय 158 मिनट तेलुगु, 159 मिनट तमिल। देश इंडिया। बोली तेलुगु तमिल। बजट 180 करोड़। बॉक्स ऑफिस अनुमानित रुपये 650 करोड़। फिल्म राजामौली के पिता KV विजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी, जिन्होंने बेहतरीन ढंग से उन्हें शिवगामी के बारे में एक कहानी सुनाई। एक महिला जो नदी पार करते समय अपने हाथ में एक बच्चे को ले जाती है और कुछ साल बाद कटप्पा के बारे में, जिसने राजामौली को चकित कर दिया। पौराणिक कथाओं के प्रति उनके आकर्षण और अमर चित्रकथा कॉमिक्स की कहानियों ने कहानी में उनकी रुचि को और बढ़ा दिया। हालांकि अंतिम मसौदे को पूरा करने में लेखकों को 3 महीने लग गए। साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर MM केरावनी द्वारा तैयार किया गया था, जबकि सिनेमेटोग्राफी, प्रोडक्शन डिज़ाइन और VFX को क्रमशः KK सेंथिल कुमार, साहू सीरिल और V श्रीनिवास मोहन ने संभाला था। यह फिल्म रुपये 180 करोड़ US 24 मिलियन के बजट पर बनी थी, जिससे यह रिलीज के समय सबसे महंगी भारतीय फिल्म बन गई। फिल्म 10 जुलाई 2015 को
हिंदी और मलयालम में डब किए गए संस्करण के साथ दुनिया भर में खुली। आलोचकों की प्रशंसा और रिकॉर्ड ब्रेकिंग बॉक्स ऑफिस पर सफलता प्राप्त की। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर अपनी शुरुआती नाटकीय दौड़ में ₹586.45 करोड़ $78 मिलियन की कमाई के साथ यह भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। दुनिया भर में तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दक्षिण भारतीय फिल्म बन गई। इसके जरिए होने के समय इसकी हिंदी डब वर्जन ने भी भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली डब फिल्म बनकर कई रिकॉर्ड तोड़े। तब से बजट और बॉक्स ऑफिस दोनों रिकॉर्ड बाहुबली 2 द कंक्लूजन से आगे निकल गए, जो अब तक की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। इसे कई सम्मान मिले। इसने सर्वश्रेष्ठ विशेष प्रभावों और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार जीतने वाली पहली तेलुगु फिल्म बन गई। 63वें फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ में तेलुगु संस्करण ने 10 नामांकन से 5 पुरस्कार जीते, जिसमें प्रकाशा सर्वश्रेष्ठ फिल्म, राजामौली के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और राम्या कृष्णा के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल हैं। बाहुबली द बिगिनिंग सैटर्न अवार्ड्स के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई, जिसे 42वें समारोह में 5 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फंतासी फिल्म और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री। भूखंड। प्राचीन भारतीय राज्य महिष्मति के पास शिवगामी नाम की एक घायल महिला को एक शिशु को लेकर एक पहाड़ी झरने से नीचे एक गुफा से बाहर निकलते हुए देखा जाता है। वह पीछा कर रहे 2 सैनिकों को मार देती है और एक उग्र नदी को पार करने का प्रयास करती है, लेकिन फिसल जाती है और धारा में बह जाती है। डूबने से पहले वह अपने हाथ से बच्चे को ऊपर रखती है और भगवान शिव से प्रार्थना करती है कि वह बच्चा, जो महेंद्र बाहुबली है, उसे जीवित रहना चाहिए। बच्चे को स्थानीय अंबुरी जनजाति के लोग बचाते हैं जो नदी के पास रहते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। बच्चों को पहाड़ पर वापस ले जाने की ग्रामीणों की दलीलों के बावजूद, जहां से वह आया था, जनजाति के सरदार सांगा की पत्नी ने उसे गोद लेने और उसे नुकसान से बचाने का फैसला किया। उसने बच्चे का नाम शिवड़ू शिव रखा है। शिव एक महत्वाकांक्षी और शरारती बच्चे के रूप में बड़ा होता है, जो पहाड़ पर चढ़ने के लक्ष्य से ग्रस्त है, जो यह जानने के लिए उत्सुक है कि शिव क्या है। सांगा की लगातार मिन्नतों के बावजूद वह लगातार कोशिश करता है और बार बार असफल होता है, हालांकि हर प्रयास में सुधार होता है। 25 साल की छोटी उम्र में जब वह एक लिंगम को उठाता है तो उसके पास अलौकिक शक्ति होती है शिव का, और इसे पर्वत के तल पर रखता है। बाद में उसे एक मुखौटा मिलता है जो स्पष्ट रूप से पहाड़ की चोटी से गिर गया है। यह महसूस करते हुए कि इसमें स्त्रैण विशेषताएं हो सकती हैं, वह पहाड़ पर चलने के लिए प्रेरित होता है और कठिनाई के बावजूद सफल होता है।
शीर्ष पर वह अवंतिका नाम की एक महिला को वह स्मृति सैनिकों को मारते हुए देखता है। उसे पता चलता है कि वह एक स्थानीय प्रतिरोध जनजाति से एक योद्धा है जो महिष्मति के अत्याचारी राजा भगवान भल्लाल देव भालवाल थेवन को उखाड़ फेंकने और एक महत्वपूर्ण बंदी राजकुमारी देवसेना को बचाने के उद्देश्य से समर्पित है, जो प्रतिरोध के प्रमुख की बहन होती है। जयवर्मा शिव तुरंत अवंतिका के साथ प्यार में पड़ जाता है और चुपके से उसका पीछा करता है, यहाँ तक कि उसके हाथ पैर पर एक टैटू बनाने का प्रबंधन भी करता है। जब वह सो रही होती है आखिरकार वह शिव को खोज लेती है और उस पर हमला करती है, लेकिन शिव उस पर हावी हो जाते हैं, फिर उसे अपना मुखौटा लौटा देता है, यह महसूस करते हुए कि उसने सिर्फ उसके लिए पहाड़ पर चढ़ाई की थी। वह उसकी भावनाओं का प्रतिहार करती है। बाद में इस जोड़ी पर महिष्मति के और सैनिकों द्वारा हमला किया जाता है। उन्हें प्रबल करते हुए शिव ने देवसेना को बचाने का संकल्प लिया और चले गए। जब भल्लाल देव के जन्मदिन पर गुप्त रूप से महिष्मति में प्रवेश करता है और भल्ला की एक विशाल प्रतिमा को खड़ा करने में सावधानी से सहायता करता है, इस प्रक्रिया में वह स्पष्ट रूप से एक कार्यकर्ता द्वारा पहचाना जाता है जो अन्य कार्यकर्ताओं के साथ बाहुबली नाम का जाप करता है। शिव के भ्रम और भल्ला की शर्मिंदगी के लिए बहुत कुछ शिव बाद में एक सैनिक के वेश में शाही महल में घुसपैठ करता है और हंगामा करता है, जिससे भल्ला और उसके रक्षक देवसेना को बचाने के लिए काफ़ी देर तक विचलित हो जाते हैं। भल्ला ने अपने दत्तक पुत्र भद्रा और देवसेना को पुनः प्राप्त करने के लिए अपने वफादार दास कटप्पा को भेजा। वे ऐसा करने का प्रबंधन करते हैं, लेकिन शिव उन पर हावी हो जाता है और भद्रा का सिर काट देता है। ठीक उसी समय जब संगा अमूरी अवंतिका और उसके हमवतन आते हैं, क्रोध होकर कटप्पा शिव पर झपट पड़ते हैं, लेकिन उनके चेहरे की एक झलक पाकर उस पर हमला करना बंद कर देते हैं। वह शिव के चरणों में गिर जाता है, उसे बाहुबली घोषित करता है। अगली सुबह एक मित्रवत कटप्पा शिव को उसकी असली उत्पत्ति के बारे में समझाता है। शिव वास्तव में महेंद्र बाहुबली है, जो महिष्मति के एक प्रसिद्ध योद्धा राजकुमार अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र हैं। कटप्पा फिर बताते हैं बीती बातें। अमरेंद्र का जन्म अनाथ के रूप में हुआ था। उनके पिता राजा विक्रमदेव की मृत्यु उनके जन्म से पहले ही हो गई थी और उनकी माता की मृत्यु उन्हें जन्म देते हुए हुई थी। विक्रमदेव के भाई और महिष्मति शाही परिवार में अगली पंक्ति के भगवान विज्जल देव को उनके चालाक और विचित्र स्वभाव के कारण सिंहासन से वंचित कर दिया गया था। विज्जल देव की पत्नी लेडी शिवगामी ने एक अभिनय सम्राट के रूप में सत्ता संभाली। दोनों भल्ला जो उनके बेटे हुए और अमरेंद्र को समान रूप से पालने के इरादे से महिष्मति के सिंहासन के लिए अगले उत्तराधिकारी का उचित रूप से चयन करने के लिए भल्ला और अमरेंद्र दोनों को समान रूप से उठाया गया है और युद्ध गणित प्रशासन तर्क और कई अन्य विषयों की कलाओं में कठोरता से प्रशिक्षित किया गया है। विज्जल देव अपने बेटे को
अगला राजा बनाने के लिए उत्सुक भल्ला को प्रोत्साहित करता है। वह सिंहासन पर चढ़ने के लिए हर संभव प्रयास करे। नतीजतन भल्ला अपनी प्रजा के साथ क्रूरता और बेफिक्री से पेश आता है। दूसरी ओर अमरेंद्र अधिक परिपक्व होता है और राज्य में लोकप्रियता हासिल करता है। साकीथन नाम के राज्य में एक गद्दार दुर्भावनापूर्ण काल के जनजाति के लिए एक जासूस बन जाता है, जो राज्य के क्रूर और विध्वंसक होने के लिए जाने जाते हैं। उनके प्रमुख इंकोशी ने माहिष्मति के साथ पिछले संघर्ष के कारण युद्ध की घोषणा की और राजघरानों ने राजनीतिक प्रतिक्रिया दी। शिवगामी ने फैसला किया कि जो कोई इंकोशी को मारता है वह नया योग्य राजा होगा, इसलिए वे राजकुमारों को सेना सौंपते हैं। विजयदेव गुप्त रूप से सुनिश्चित करता है कि भल्ला के पास अधिक हथियार और पुरुष हों। बाहुबली आने वाली लड़ाई में नवीन रणनीति का उपयोग करके और साथ ही अपने सैनिकों को प्रेरित करने और बंधक विषयों को बचाने के लिए और अधिक काल के सैनिकों को नष्ट करने का प्रबंधन करता है। उसने इंकोशी को बस में कर लिया और भल्ला ने उसे मार डाला, लेकिन उसकी वीरता और अपने राज्य के लोगों के लिए चिंता के कारण शिवगामी ने उसे राजा बनाने का फैसला किया। वर्तमान समय में शिवू के माता पिता अमरेंद्र से मिलने की इच्छा रखते हैं। उनकी कहानी सुनकर प्रभावित हुए नटराज कटप्पा ने खुलासा किया कि अमरेंद्र मर चुका है। शिवू द्वारा अपने पिता की मृत्यु के बारे में पूछे जाने पर कटप्पा ने आगे खुलासा किया कि अमरेंद्र की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद की थी और इसकी काली हो गई थी। ढालना आपके क्रेडिट कास्ट निम्नलिखित है: अमरेंद्र बाहुबली के रूप में, माहिष्मति के राजकुमार शिवगामी और के भतीजे और राज्य के प्रिय सदस्य और महेंद्र बाहुबली शिव तेलुगु शिव तमिल दोहरी भूमिका: राणा दग्गुबाती बल्लाल देव तेलुगु, पल बालथेवन तमिल के रूप में बाहुबली के बड़े चचेरे भाई और सिंहासन लेने के लिए अत्याचारी आकांक्षाओं के साथ एक बिगड़ैल अभिमानी राजकुमार, तमन्ना अवंतिका के रूप में कुंतला के एक पूर्व निवासी कुशल लड़ाके और प्रतिरोध के शक्तिशाली सदस्य, देवसेना तेलुगु देवसेनाई तमिल के रूप में अनुष्का शेट्टी महेंद्र बाहुबली की जैविक माँ जिसे महिष्मति में भल्ला के मनोरंजन के लिए प्रताड़ित और कैद किया गया है, शिवगामी के रूप में राम्या कृष्णन विजलदेव की पत्नी भल्ला की माँ और शाही परिवार की एक स्थापित उच्च रैंकिंग सदस्य जो राजकुमारों के बड़े होने पर राज्य की देखरेख करती है, करिकाल कटप्पा के रूप में सत्यराज माहिष्मति के सशस्त्र बलों के सेनापति, माहिष्मति के राजघरानों के लिए एक संरक्षक और लड़ाकू शिक्षक जिसके बावजूद उसकी हैसियत एक नौकर के बराबर है और राज्य के सम्राट से बंधे हुए दास योद्धाओं की एक लंबी कतार से आती है, विजलदेव तेलुगु पिंगलाथेवन तमिल के रूप में नासर विक्रमदेव के विचित्र बड़े भाई और एक विकृत बाएं हाथ वाले राजकुमार को खारिज कर दिया। अन्य सांगा के रूप में रोहिणी अंगुरी जनजाति की नेता और महेंद्र की दत्तक माता जयवर्मा के रूप में मीका रामकृष्ण कुंतला विद्रोहियों के नेता और देवसेना के भाई स्वामी जी के रूप में तनिकेला वरुणी एक अमूरी ऋषि जिन्होंने खुद को शिव की प्रार्थना के लिए समर्पित कर दिया है। विदुर
तेलुगु भद्रा तमिल के रूप में आदिवासी शेष भल्लाल देव का दत्तक पुत्र, जिसने अपने पिता के समान एक अभिमानी और नियंत्रित व्यक्तित्व लिया है। इंकोशी के रूप में प्रभाकर कालके के राजा, जिन्होंने एक युवा लड़के के रूप में नेतृत्व किया और उनके असफल संघर्ष के बाद महिष्मति पर युद्ध की घोषणा की। असलम खान के रूप में सुदीप, एक अरब हथियार का सौदागर जो कटप्पा से दोस्ती करता है। इंकोशी के भाई के रूप में चरणदीप, मधु स्नेहा उपाध्याय, मनोहारी गीत में नीले ब्लाउज में नर्तकी के रूप में नोरा फतेही, हरे रंग के ब्लाउज में मनोहारी गाने में नर्तकी के रूप में, मनोहारी गाने में नारंगी ब्लाउज में नर्तकी के रूप में स्कारलेट मेलिस विल्सन, मनोहारी गीत से पहले स्पिरिट सेलर के रूप में एस एस राजा मौली।